मूवी के स्टार्ट होते ही हमें समंदर की गहराई दिखाई जाती है जहाँ पर अर्थ की गैसेस रिलीज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक यंग कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रैंडल होता है। एमिली और रैंडल अपने वेकेशन को स्पेंड करने रैंडल के पेरेंट्स के एक बीच कॉटेज में आए होते हैं। उस बीच हाउस के आसपास और भी बहुत से घर होते हैं लेकिन वो सब के सब खाली होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो सब के सब वेकेशन हाउसेस थे और जिस तरह एमिली और रैंडल यहाँ पर आए थे इसी तरह बाकी लोग भी उन घरों में आएंगे और जब इतने सारे लोग एक जगह पर आ जाएंगे तो वो जगह बिल्कुल एक टाउन की तरह ही लगेगी। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर एमिली और रैंडल अकेले ही होते हैं और फिर एमिली वॉशरूम में जाती है और वो नोटिस करती है कि वहाँ का पानी आम पानी जैसा नहीं है बल्कि वो थोड़ा अजीब सा है। इसके अलावा उसे ये बात भी काफी अजीब लगती है कि वहाँ का एक केबिन मेडिसिन से भरा हुआ था। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि वो घर काफी अरसे से खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। उस जगह के बाद फिर वो किचन में जाती है और किचन की कंडीशन को देखकर भी वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि किचन के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई रह रहा है। और जब एमिली सारे घर को चेक कर रही होती है तो अचानक से एक औरत उनके घर में घुस जाती है जिससे एमिली डर जाती है और डर की वजह से वो छुप जाती है। फिर एमिली छुप कर उस औरत को देखती है। एमिली रैंडल को जल्दी से बुलाने के लिए ऊपर जाती है लेकिन वो औरत उसके कदमों की आवाज़ सुनकर वहाँ से चली जाती है। इससे पहले कि रैंडल वहाँ पर पहुँचता वो गायब हो चुकी होती है। फिर एमिली और रैंडल सारे घर को चेक करते हैं तब वो देखते हैं कि वो औरत वहीं पर छुपी हुई है, जिस पर रैंडल उसे पूछता है कि वो उनके घर में क्या कर रही है, जिस पर वो औरत ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे कि वो उसका ही घर हो। और इतनी देर में उसका हस्बैंड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर ये बात खुल जाती है। उन दोनों का नाम मिच और जेन होता है और वो रैंडल के फादर के बहुत पुराने फ्रेंड होते हैं। वो दोनों रैंडल को बताते हैं कि उसके फादर की मर्जी से ही यहाँ पर रह रहे हैं, जिसको सुनकर एमिली काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उनकी वेकेशंस डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और वो कहती है कि वो लोग रेंट पर एक रूम ले लेंगे, जिस पर मिच उन्हें मना कर देता है और वो उनके ही घर पर उन दोनों को डिनर पे इनवाइट करता है। रैंडल को तो इस बात से कोई इशू नहीं होता लेकिन एमिली खुश दिखाई नहीं देती। वो बाहर जाकर बैठ जाती है तब उसे एक स्लग नजर आता है जो काफी लेजी लग रहा था और ऐसे जाहिर हो रहा था कि उसे कोई बीमारी है। फिर रात को वो सब मिलकर डिनर करते हैं और डिनर में वो ऑस्टर्स भी होते हैं जो जेन लेकर आई। वो सब लोग ऑस्टर को खाते हैं लेकिन एमिली के अलावा, जिस पर एमिली उनको बताती है वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है। वो उन्हें बताती है कि लाइफ बहुत अनवेल है और हमारा एलिमेंट्स राइट से बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है और इन राइट्स में टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और अगर कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी तो हम इंसान नहीं बच पाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे और इस अर्थ पर सिर्फ डस्ट और गैसेस ही बाकी रह जाएंगे। उन लोगों को एमिली की कुछ बातें तो समझ नहीं आती लेकिन वो फिर भी उसकी बातों को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद आती हैं और बातों बातों में उनकी सारी ड्रिंक भी खत्म हो जाती है। रैंडल उन्हें एरोवाना फिश ऑफर करता है जिसे खाने के बाद वो सब फुल हो जाते हैं। मिच भी नोट करता है कि पानी का टेक्सचर कुछ अजीब है लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो सब लोग गैलरी में खड़े होते हैं और काफी अजीब चीज नोट करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस हवा में उड़ रहे होते हैं। असल में माइक्रोब्स पानी में होते हैं और हवा में उनको देखना एक अजीब बात ही थी। जेन उन माइक्रोब्स को करीब से देखने पर काफी इंसिस्ट करती है, जिस पर मिच उसे जाने देता है। वो नोट करती है वो माइक्रोब्स हर जगह जम चुके हैं और वो उनको छूती है और जैसे ही उन्हें टच करती है वो खांसना शुरू कर देती है। ऐसा उसके साथ माइक्रोब्स की वजह से नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बहुत फॉग होती है और उसमें सांस लेना काफी मुश्किल होता है और वो फिर बेहोश हो जाती है। काफी देर गुजरने के बाद भी जब जेन वापस नहीं आती तब मिच उसे ढूंढने जाता है और दूसरी तरफ रैंडल को नशे में कुछ होश नहीं होती और एमिली जो कि घर के अंदर होती है वो देखती है कि फॉग अंदर आ रही है जिसकी वजह से वो दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन एमिली भी फॉग की लपेट में आ जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। आधी रात को एमिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि जेन को खांसी हो रही है। वो उसे देखने के लिए उनके रूम में जाती है और जब मिच उसे देखता है तो वो दरवाजा नॉक कर देता है, वो डोर बंद कर देता है। फिर एमिली रैंडल को उठाती है, वो दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। एमिली और रैंडल जब सुबह को उठते हैं तब उन्हें शदीद हेडेक हो रहा होता है और वो बीच पर जाने का फैसला करते हैं और जाने के लिए जब वो नीचे उतर के आते हैं तब वो देखते हैं कि जेन जो कि चुपचाप बैठी हुई है वो उन लोगों की बातों का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। एमिली उसके पास आती है तब वो देखती है कि उसने अपनी सारी मेडिसिन खत्म कर ली है। वो उसके करीब आकर देखती है तब जेन की सारी स्किन उतर रही होती है। वो दोनों मिच को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते वो बीच के पास ही बैठ जाते हैं। वहां पर अचानक से रैंडल की तबीयत खराब हो जाती है, वो भागकर अपने रूम में जाता है और जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन और कीज वहीं पर भूल जाता है। रैंडल के वहां से जाते ही मिच भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे इस बात का पता होता है कि जेन का क्या हाल हो चुका है। दूसरी तरफ रैंडल नोट करता
लगता है कि पानी का टेक्सचर, कलर, स्मेल बिल्कुल चेंज हो गए हैं। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोबारा एमिली के पास जाने लगता है। तब अचानक उसे ऊपर से कोई आवाज आती है। रैंडल सोचता है कि ऊपर शायद मिच है और वो उसे देखने के लिए ऊपर भी जाता है। लेकिन मिच तो एमिली के पास बैठा होता है, जो उसे कह रहा होता है कि इस जगह पर कुछ अजीब है, और उसके बाद वो स्विमिंग के लिए चला जाता है। समंदर में कुछ दूर जाने के बाद वो गायब हो जाता है। एमिली जल्दी से भागकर पानी के थोड़ा आगे को जाती है। तब उसका पांव एक जेलीफिश के ऊपर रखा जाता है, जो कि एमिली को काट लेती है। एमिली देखती है कि उसके जख्म में एक कीड़ा रेंग रहा है। फिर एमिली चारों तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है कि वही जेलीफिश समंदर के किनारे चारों तरफ फैली हुई है। वो जल्दी से भागकर घर में जाती है और किचन के किसी इंस्ट्रूमेंट से उस कीड़े को निकालती है। फिर वो नोटिस करती है कि ये कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि जेलीफिश का एक टेंटिकल है, जो म्यूटेंट होकर एक कीड़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। उस कीड़े को निकालकर एमिली जल्दी से अपने पांव की पट्टी करती है और कपड़े चेंज करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहां पर रैंडल आ जाता है, जो कि क्रॉलिंग करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वो देखती है कि उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी है, और उसकी ये हालत जेन ने की थी, जो अभी इंसान तो नहीं रही लेकिन एक ज़ॉम्बी क्रिएशन बन गई थी। वो दोनों जेन से बचने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन वो किसी भी हाल में उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो अपने पास के घर में जाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कोई रिस्पांस नहीं मिलता। एमिली रैंडल से पूछती है कि जेन ने उसका ये हाल कैसे किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। और भागने के लिए उनके पास कार की चाबी भी नहीं होती, क्योंकि वो तो वो लोग बीच पर छुड़ाए होते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि जेन की तरह का ही एक आदमी, जो कि क्रॉलिंग करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो दोनों वहां से भागते हैं और रात हो जाती है, और फिर वहां पर फॉग छा जाती है। वो लोग रोड पर चलते जाते हैं और रैंडल की हालत मजीद खराब हो जाती है। और फिर एमिली को एक पुलिस कार मिलती है। उस गाड़ी में एक रेडियो भी होता है, जिस पर मैसेज भेजकर एमिली हेल्प मांगती है, और उसके पास रिप्लाई भी आता है, जो उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिस पर वो पूछती है कि क्या वो फॉग की बात कर रहा है, जिस पर रिप्लाई आता है नहीं, ये फॉग नहीं है। और इसके बाद उनका फोन कट जाता है। एमिली एक घर की खिड़की तोड़ती है और वो खुद को उस फॉग से बचाने के लिए उस घर में छुप जाते हैं। एमिली नोटिस करती है कि पानी में अब पानी जैसी कोई भी बात नहीं रही, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वहां पर उन्हें एक टीवी भी नजर आता है, जिसकी न्यूज पर उन्हें ये पता चल रहा होता है। ये पता चलता है कि ये सब सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि पूरे मुल्क में ये हो रहा है, और ये सब कुछ उन माइक्रोब्स की वजह से हुआ है। और ये माइक्रोब्स अंडर वाटर होते हैं, लेकिन अर्थ के बहुत ज्यादा हीटअप होने की वजह से ये उसके सरफेस पर भी आ गए हैं और बहुत ज्यादा रिलीज भी होते जा रहे हैं, और इंसान की करंट लाइफ फॉर्म को मार कर ये न्यू लाइफ फॉर्म को जन्म दे रहे हैं, न्यू लाइफ फॉर्म को पैदा कर रहे हैं, जिनका मकसद ये बन चुका है कि वो इंसानों को खत्म कर देंगे। एमिली कार की चाबियां ढूंढती है, क्योंकि उन लोगों को वहां से भागना था। वो एक बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं। इन सिलेंडर्स की मदद से वो इन फॉग से बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रैंडल वॉमिट करता है और उसकी वॉमिट में एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है, और देखते ही देखते वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। बेसमेंट में एमिली एक आदमी को देखती है, जो कि बहुत ज्यादा म्यूटेंट हो चुका होता है और दूसरे आदमी को भी खा रहा होता है। एमिली जल्दी से उस टैंक को उठाती है और उसे लेकर ऊपर की तरफ भागती है, और वहां आकर वो देखती है कि अब रैंडल भी बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन बचने के लिए उसके पास कोई और चॉइस तो नहीं होती, और इसीलिए वो उस टैंक से रैंडल को कुचल के मार देती है। और इतनी देर में एमिली को कीज भी मिल जाती हैं। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट और फॉग होती है, और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और वो अंदाजे से ही आगे बढ़ती जाती है। और अचानक से एमिली की गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है, और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि एमिली पर भी उन क्रिएचर के तासुरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, और अब एमिली बीच पर होती है, जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो बार बार एक ही बात कह रही होती है कि डरना नहीं है, और अचानक से पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसे बहाकर अपने साथ ले जाती है। असल में मूवी में एमिली की बातें सच हो गई, जो उसने कहा था कि अगर ये राइड्स जरा से भी इधर उधर हुए तो हम सब खत्म हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा हो जाएगा। और ये सब हुआ था अर्थ के हीटअप होने से, और गहराई में बहुत सारे रॉक्स में वही खतरनाक माइक्रोब्स थे, जो सरफेस पर आकर ये सब तबाही फैला रहे हैं। और इसके साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है।